सर जी, सबसे पहले ये बताएं कि काम की इसमें बातचीत की शुरुआत कैसे कैसे मिलना हुआ संजय से, आपकी आपका कैसे उन्होंने रोल नैरेट किया था? हमारे डायरेक्टर साहब हैं संजय सिंह साहब, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें फ़ोन किया और हमसे मिलने की बात करी, तो हम उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारी पिक्चर में ये रोल है, ये आप करना है, आपको करना है। मैंने कहा क्यों करना है? कहना क्योंकि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। अरे मैंने कहा आपने मुझे अच्छा एक्टर बोल दिया, यानी कि आपकी पिक्चर में तो काम करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इनकी पिक्चर में काम करने का डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं एज एन एक्टर। ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, सच बोले कि झूठ बोले तो मालूम नहीं, लेकिन हमने काम करने के लिए हाँ बोल दिया। इस पिक्चर में क्या रोल ऑफर किया? इस पिक्चर में मैं जो रोल कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा रोल है, बहुत आसान रोल है। क्या है, मैं नेता बना हूँ इस पिक्चर में। अब पिक्चरों में अभिनेता हूँ और वहाँ पर नेता हूँ, आई मीन इस पिक्चर में नेता हूँ। अभिनेता और नेता का बहुत करीबी संबंध होता है। जब आदमी एक अच्छा एक्टर बन जाता है तब वो अभिनेता होता है, और जब बहुत अच्छा एक्टर होता है तब वो नेता बनता है। तो ट्रांजिशन फ्रॉम अभिनेता टू नेता इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, और फिर हर आदमी नेता बन सकता है इस देश में। हर मामूली आदमी, हर गुंडा मवाली, हर आदमी नेता बन सकता है, तो इसलिए हम भी नेता बन गए, कोई तकलीफ नहीं। कैसा रहा राहुल सिंह के साथ काम करना? राहुल सिंह बेचारा बहुत सज्जन पुरुष है, ऐसे सज्जन एक्टर बहुत कम मिलते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा डील डॉल वाला, सुशील, बहुत प्यारा। उनके साथ काम करने में मजा ही आ सकता है, उसके साथ काम करना बुरा नहीं लग सकता। राहुल देव भी बड़े अच्छे एक्टर, उनसे कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। वो नई पीढ़ी के एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, बहुत वेल बिल्ट हैं, तो उनके साथ हमने ज्यादा काम तो नहीं किया, एक आध शायद सीन किया हुआ, लेकिन वो पिक्चर में है, ये बड़ी खुशी की बात। अमरीश जी तो हमारे बहुत प्यारे आदमी हैं, थे, उनके साथ मैंने इस पिक्चर में काम नहीं किया, लेकिन वो पिक्चर में है। कुछ उनके बारे में, अमरीश जी के साथ और किसी पिक्चर में? अमरीश जी के हम चमचे बने हैं बहुत पिक्चरों में, इस पिक्चर में तो उनके साथ काम ही नहीं किया, लेकिन हमारा उनके साथ एक्सपीरियंस है सिंस अ फिल्म कॉल्ड दोस्ताना। दोस्ताना में अमरीश जी और हम दोनों प्रेम चोपड़ा के चमचे बने थे, तो तब से हम उनके साथ काम करते आए हैं। और बाद में फिर अमरीश जी भले आदमी के रोल करने लगे, लेकिन उस टाइम भी हम गुंडों के रोल करते थे। तो एक पिक्चर हम उनके साथ कर रहे थे, तो उसमें उन्हें मारना था, तो मैंने फाइट डायरेक्टर से कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हम अमरीश जी के हर पिक्चर में चमचे बने हैं और हम अपने बॉस पे हाथ नहीं उठा सकते। तो अमरीश जी ने बात सुन ली, उनका बेटा ये तो पिक्चर है, डोंट टेक इट पर्सनली, यू कैन हिट मी। मैं आपको कैसे हाथ उठा सकता हूँ आपके, आप हमारे बॉस हुआ करते थे, आपने दल बदल दिया, आप अभी अच्छे आदमी बन गए, इससे बात थोड़ी बदल जाती है, हम आपके हाथ नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने हमको कन्विंस किया कि कोई बात नहीं, तुम मुझ पर हाथ उठाओ। तो फिर मैंने हाथ उठाया और उन्होंने मुझे आग में डाल दिया। तो अमरीश जी बेचारे बड़े अच्छे आदमी। प्रमिता काटकर, उनके साथ कुछ शॉट्स थे, कुछ सीन थे इस फिल्म में, बिल्कुल नई लड़की है। हाँ जी, उनके साथ काम किया ना एक सीन, नहीं मैंने काम नहीं किया उनका, उनके साथ काम नहीं किया, उनकी शूटिंग करते हुए देखा, वो भी अच्छी हैं, गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड डांसर एंड वेरी गुड लुकिंग पर्सन। मधु, उनके साथ भी काम नहीं किया, आज तक काम नहीं किया, लेकिन उनका काम हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब भी उनकी पिक्चरें देखी हैं तो उनको अप्रिशिएट किया है, उनमें एक बचपना भी है और सुना है मैंने, शायद आप ही बता रही थी।
और वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हैं, ये भी आप ही ने बताया था। मुकेश तिवारी हमारे साथ बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पिक्चर में मैंने उनके साथ कोई सीन नहीं किया है। पहले और पिक्चरों में हमारे साथ काम किया, हमारे भाई भी बने हैं, हमारे बॉस नहीं बने, हमारे छोटे भाई बने थे पिक्चर में, तो इसके बारे में बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको मैं बहुत बहुत अच्छा एक्टर समझता हूँ और वो आदमी भी बड़े अच्छे लगते हैं, एंड ही इज वेरी गुड लुकिंग मैन एंड ही विल बी ए सुपरस्टार। नरेंद्र झा भी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, सीरियस एक्टर हैं, और उनके साथ काम किया मैंने इस पिक्चर में, और उनके साथ काम करते करते मैं अपने डायलॉग भूल जाता था क्योंकि इतने अच्छे एक्टर हैं। इज गॉट अ वेरी नाइस पर्सनैलिटी एंड ही कैन आई मीन ओवर शेडो एवरीबडी इन अ सीन। कहीं इस फिल्म के कैमरामैन है, एक आर्टिस्ट होने के नाते कितना कंफर्टेबल करते थे वो किसी सीन को लेने के पहले? उन्होंने हमें कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं दिया, और कंफर्ट लेवल की बात जो होती है, हम हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। गर्मी लगती है कभी कभी, लेकिन इस बार गर्मी भी नहीं थी वहाँ पर, और अब जैसे ये लाइट हमारे सामने लगा दी है, गर्मी लग रही है, आपके जो कैमरा मैन है उनसे तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन उनसे तकलीफ नहीं हुई थी। शूटिंग कहाँ करी? हाँ, जोधपुर में करी। मैं कंफ्यूज रहता हूँ, मेरी ज्योग्राफी बहुत खराब है, मेरी जनरल नॉलेज भी बहुत खराब है, तो जोधपुर में हमने शूटिंग करी थी और बहुत आनंद आया। क्या अच्छा खाने को दे रहे थे, अच्छा पीने को दे रहे थे, अच्छी जगह ठहरा रहे थे। काम तो बाय द वे करते हैं ना लोग, कभी कभी काम करने चले जाते हैं, दो चार शॉट दे दिए, फिर वापस आ गए, आराम करने लगे, तो इट वॉज ग्रेट फन। जोधपुर में शूटिंग का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है, छोटा शहर है, लोगों का रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है, कैसा क्या फेस करने को, मीन्स आसपास के माहौल में क्या डिफरेंस था? जैसा हर जगह होता है, मुंबई के अलावा बाकी हर जगह यही एटमोसफियर रहता है, छोटे शहर होते हैं ना, मुंबई एक महानगरी है, बाकी एवरी सिटी इन इंडिया इज अ स्मॉल टाउन, और वहाँ के लोगों का रिएक्शन वही होता है, थोड़ा बदतमीज़ होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े परेशान करते हैं, थोड़ा नहीं परेशान करते हैं, भीड़ बहुत होती है क्योंकि हमारे देश की आबादी ज़्यादा है और लोगों के पास काम कम है, तो जब शूटिंग होती है तो शूटिंग देखने चले आते हैं, हम लोग एंटरटेन करते हैं उनको, हेलो हाउ डू यू डू, ये सब करते रहते हैं। कैसा रहा सेट पर का माहौल, शूटिंग के बाद क्या करते थे, क्या कुछ प्रैंक्स खेले जाते थे? नहीं जी, हमारे यहाँ प्रैंक नहीं होते, हमारे डायरेक्टर बहुत सीरियस है, तो संजय सिंह साहब इज अ सीरियस मैन, हम लोग प्रैंक्स नहीं करते हैं, हम लोग सीनियर लोग हैं, हम लोग प्रैंक्स नहीं करते हैं, प्रैंक्स करने वाले जो होते हैं एक्टर नहीं होते, और कोई प्रैंक्स नहीं होते थे, बस काम ही काम करते थे। आप लोग सीनियर पर, आपके टीम में थी परमिता थी, राहुल देव थे, राहुल सिंह थे, इन लोग बहुत ज़्यादा सीनियर तो नहीं कहे जाएंगे, कैसा इन लोग आपस में, इन लोगों के साथ कैसा माहौल रहता था? मेरे ख्याल से ये लोग मुझे अवॉइड करते थे, मेरे साथ में किसी ने आगे गप्पे मारी ना, मेरे साथ कोई बैठा, और मे बी देयर वेरी सीरियस अबाउट देयर वर्क, लाइने माने याद कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे अगल बगल अपने कोई दिखा नहीं। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, कोई तकलीफ नहीं थी, नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वी हैड ए गुड टाइम, वेरी प्लेजेंट टाइम, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, वी मेड अ गुड फिल्म, अ गुड फिल्म कॉल्ड कच्ची सड़क। कच्ची सड़क टाइटल बड़ा अच्छा है, इट इज लाइक द रोड्स इन बॉम्बे, कच्ची सड़क। एक्सपेक्टेशन क्या है इस फिल्म से? वी एक्सपेक्ट दिस मूवी टू बी अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म, करेक्ट? यस, सक्सेसफुल फिल्म, एंड इट विल बी अप्रिशिएटेड बाय द पीपल, बिकॉज इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल टाउन, छोटे शहर की कहानी है, एंड एक छोटा शहर जहाँ पे ये सब हो रहा है,
तरीके से दैट स्मॉल टाउन रिप्रेजेंट्स द एंटायर कंट्री, व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, द काइंड ऑफ करप्शन दैट इज देयर, हाउ पॉलिटिशियंस आर यूजिंग द गुंडा एलिमेंट इन दिस कंट्री टू फर्दर देयर ओन एम्बिशंस. Very true to life film, based in a small town, but actually representing the entire country. Thanks a lot for talking to us.